ये हमारा पावर एनालाइजर है, इसके अंदर पावर सप्लाई लगा दी है और RS-485 कम्युनिकेशन की केबल। इसको हमने सिमेंस PLC से कनेक्ट कर दिया है, साथ में हमारे पास इंडिकेशन लाइट्स हैं मौजूद हैं जो ट्रांसफर और सेंड डाटा सेंड और रिसीव करेंगे। RS-485 का मॉड्यूल, RS-485 का नेम और साथ ही इसकी फॉर इंफॉर्मेशन बॉड रेट, पैरिटी, डेटा बिट्स सब हमें चेक करना है। इसके बाद हमें मॉड बस लगाने सेलेक्ट करके लगाने हैं। सबसे पहले MB कम्युनिकेशन लोड, उसके बाद सारी हमें चीज़ें इसमें डालनी पड़ेगी, पोर्ट हो गई, बॉड रेट हो गई, पैरिटी हो गई, एरर स्टेटस, उसके साथ ही नीचे MB मास्टर, इसके अंदर भी हमें सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट एड्रेस, इसको हमें 1 रखना है। ये मोड हमें बताएगा कि खाली रीड है या राइटेबल है। ये डाटा एड्रेस और डाटा लेंथ, उसके बाद ये MB कॉन्फ़िग की से डाटा ब्लॉक की सारी चीज़ें हमें सपोर्ट करनी पड़ेंगी इंडिविजुअली। उसके साथ हमें उनके ऑफसेट, स्टार्टिंग वैल्यू, सब चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। सिमिलरली ये MB लोड का डाटा ब्लॉक है, उसके अंदर भी सारी हमने बॉड रेट, पैरिटी, एरर स्टेटस, इन सब का जो है डाटा टाइप वो भी डिफाइन करना है। फिर हमारे पास ये डाटा बफर के रजिस्टर्स हैं जिसके अंदर जो है हमारी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेजेस शो होते हैं। यहाँ पे इनकी डाटा टाइप और एरे लिमिट सेट करनी है। S7-1200 के अंदर ये जो ट्रांसमिट और रिसीव लाइट्स ऑन ऑफ होनी चाहिए, और अगर आपका पैरामीटर ठीक होंगे तो ये चलेगी, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ये सीरियल RS-485-3 पिन नंबर 3 और पिन नंबर 8 के ज़रिए ये डेटा लिंक ए और बी में यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, और इस तरीके से ये काम चल रहा है।